देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। पूरा मामला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के रामपुर छगड़ा गांव का है, जहां घर में अकेली एक नाबालिग छात्रा को पड़ोस के ही रहने वाले तीन युवकों ने छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतिका के परिजनों का आरोप है कि हिमांशु कल्लू और अश्विनी छात्रा को स्कूल जाते समय छेड़ते थे और बदतमीजी करते थे। छेड़खानी की शिकायत छात्रा ने अपने पिता से की थी। छेड़खानी की घटना को लेकर मृतिका के पिता ने तीनों युवकों के घर पर बताया था। इसी का बदला लेने के लिए तीनों युवक घर पर पहुंच गए और छात्रा को अकेला देख उसे जबरन जहर पिलाकर फरार हो गए। अस्पताल ले जाते समय छात्रा ने दम तोड़ दिया। मौके से एक आरोपी युवक का मोबाइल भी मिला है। परिजनों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर एसपी सिटी ने बताया कि इस पूरे घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद इस घटना में पुलिस बड़ी कार्यवाही करेगी। अंतर्गत एक छकड़ा गांव में एक लड़की है की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। उसका पंचायत नामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इन्होंने पहले भी जो है छेड़छाड़ की लड़की से जांच की जाए। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।